विराट कोहली के नसीब में देखो एज प्लेयर उसके वो वर्ल्ड चैंपियन कहलाएगा रिटायरमेंट के बाद, ये बहुत सारे लोगों को शायद गलतफहमी होगी। मैं अभी भी बोलता हूँ जब विराट कोहली 4 साल के बाद 5 साल के बाद जितने साल के बाद भी रिटायर होगा तो भाई विराट कोहली को अभी भी वर्ल्ड चैंपियन बोला जाएगा। 2011 की ट्रॉफी है उसके पास। सबसे भारी जो करियर पे एक क्या बोलते हैं, तो एक सितारा लग सकता था ना, वो था रोहित शर्मा। रोहित था 2011 वाले में था नहीं ना। रोहित शर्मा के अंदर क्या चल रहा, अरे यार वो तो 2011 को याद कर करके रोता था बेचारा। 2011 को जब भी उससे पूछो 2011 वो उसकी आंखें गिली हो जाती थी। एक इंटरव्यू दिया था उसने अभी दो महीने पहले पूरे उसने बताया कि कैसे मुझे युवराज ने वो किया, हेल्प किया, उस टाइम पे किस किस प्लेयर ने हेल्प करा, क्या मेरे दिमाग में चल रहा था, वो सारा कुछ लेके आ रहा था यार वो इस वर्ल्ड कप में। भाई पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी ना, जैसे मैं एक मैंने फनी रील भी देखी, बट उसमें बड़ा अच्छा सा लगा, मतलब जो उसका कॉन्सेप्ट था कि मतलब 10 मैच हम जीते और एक मैच फिर कोई और आके जीत जाए, थोड़ा तुक्का सा लगा कि भाई हमारे 10 मैच का कुछ वही नहीं था, पर ठीक है, अब ठीक है, हम वी आर नॉट सैड लूजर्स। अरे यार बख्श दो यार, कैप्टनसी भी छोड़ दिया उसने। अरे यार कोई ना बेचारा। आज टीम इंडिया ने एक सुपरस्टार को खो दिया। अगर आज ये खिलाड़ी टीम इंडिया में होता तो शायद टीम इंडिया अपना 4th वर्ल्ड कप जीत चुकी होती, मगर इस प्लेयर को अपनी गरीबी और जिम्मेदारियों के चलते क्रिकेट को छोड़ना पड़ा। और यह कोई और नहीं बल्कि वीडियो देखने वाले आप खुद हो। सच बताना, आपका भी सपना क्रिकेटर बनने का था ना? अरे यार मैं अगर सच बताऊं तो मेरे हस्बैंड जो है, क्योंकि मुझे कल परसों किसी ने कमेंट किया था कि खाली व्यूज के लिए वीडियो है, क्रिकेट की नॉलेज नहीं है। भाई मेरे जो हस्बैंड है, मेरे जो पति है, वो नेशनल खेले हुए हरियाणा से अंडर 19, तो और प्लस जब 23 के ट्रायल्स थे तो मेरे को चीज़ें पता है, इतनी नॉलेज है, तभी मैं यहाँ पे कुछ बोल रही हूँ। जिसकी नॉलेज नहीं है वो चीज़ नहीं बोलती हूँ। तो सपना तो यार है बहुत, मतलब हर गली में से किसी एक बच्चे का सपना होता है क्रिकेटर बनना, और बहुत कम लोग हैं जो उस लेवल तक पहुँच पाते हैं। आप में से किसी का सपना है क्रिकेटर बनना तो कमेंट में जरूर बताना। ना कोई हेयर कलर, ना कोई टैटू, ना कोई लड़ाई और तो और ना कोई एटीट्यूड। अपने फैंस के साथ घुलमिल कर रहना, ये है हमारे रोहित भाई। रोहित भाई के लिए कमेंट में हिटमैन जरूर लिख। हिटमैन ओपी भर दो कमेंट सेशन यार मेरे को। प्लस सबसे ज्यादा मुझे इसको कूल सा एटीट्यूड अच्छा लगता है। अरे कोई ना, अरे क्या सर ऐसे, अभी मैं क्या बोलूं यार। ऑस्ट्रेलिया से फाइनल हारने के बाद विराट कोहली से पूछा गया कि आप रिटायरमेंट के बारे में क्या बोलना चाहोगे, तो विराट ने कहा, मैं अभी रिटायरमेंट के बारे में सोच भी नहीं रहा हूं। मैं 2027 का वर्ल्ड कप भारत को जितवा कर रिटायरमेंट लूंगा। सही में ऐसा बोला है यार? अगर ऐसा बोला भी है ना तो बहुत अच्छी बात है। मैं सच में चाहती हूँ रोहित का, मतलब मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है, बट मेरा मन है कि ये दोनों प्लेयर ना नेक्स्ट वर्ल्ड कप खेलें और जीते भी। यार मेरी तो जिंदगी का ना अब एक मकसद रहेगा, जिस जिस भाई का ये मकसद है वो एग्री कर रहे हैं। दिल खोलता है जो देख के मेरा। हम लोग अगले 5 वर्ल्ड कप जीत जाएं, मेरा उन 5 वर्ल्ड कप में से 1 वर्ल्ड कप में इंटरेस्ट होगा। इन कंगारुओं के घर में घुस के हराना है भाई इनको वर्ल्ड कप। मुझे पता नहीं, मुझे 2003 का, 19 का, पता नहीं 20 का, 23 का, ये बदले मेरे को समझ में आ नहीं रहे हैं। अब तो एबी क्रिक इन्फो पे ना एक ही चीज देखनी है। मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है 1 मिलियन में, 2 मिलियन में, 4 मिलियन में। अरे नहीं यार कोई इंटरेस्ट नहीं भाई, अब तो एक ही इंटरेस्ट है, एबी क्रिक इन्फो का यही चैनल होगा, यही चेहरा होगा। और एक दिन ये आके बोल रहा होगा ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया के अंदर हराया है वर्ल्ड कप। मजा आ जाएगा उसके दाएं बाएं इधर उधर आगे पीछे जितने मर्जी वर्ल्ड कप जीत जाए, खुशी होगी। लेकिन जो कहते हैं ना आत्मा जो शांत हुई है ना, अब वो अलग ही घर में घुस के ठोकना है, ठंडक पड़ेगी बस। अब ये आखिरी चीज है भाई। इस फोटो ने तो सच में ऐसा वो कर दिया था, मुझे थोड़ा बहुत पहले ही लग रहा था कि ठीक है कोई ना, अब मतलब फाइनल जीती है, पहले 10वें नंबर पे थी, वहां से उठ के आई, फाइनल जीती। जो बंदा मेहनत से कुछ चीज अचीव करता है ना, वो ऐसे उसे पैरों के नीचे तो रखेगा नहीं। अब हाँ किस्मत क्या चीज होती है भाई, ये पता लगा कल के वर्ल्ड कप में। अगर हम लोग ट्रॉफी जीतते तो हम लोगों ने ट्रॉफी सीने से लगा के रखनी थी, ऑस्ट्रेलिया वालों ने पैरों पे रख रखी है ट्रॉफी, पैर उसके ऊपर रखे, पैरों के नीचे, पैरों पे भी नहीं। लेकिन
13 वर्ल्ड कप में से 6 वर्ल्ड कप कौन जीत गया? ऑस्ट्रेलिया। मैं इसी रीजन की वजह से कह रहा था भाई, इसी रीजन की वजह से कह रहा था, इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका फाइनल हो, न्यूजीलैंड तो चलो हो नहीं सकता था क्योंकि वो उनके साथ तो हमारा सेमीफाइनल था। अगर मान लो 1% अगर ऊंच नीच हो गई ना भाई, अगर ऊपर नीचे हो गई, एटलीस्ट यार कम से कम ये तो देख, मतलब ठीक है वो तो पूरा सेम ही लगना था, एटलीस्ट दिल को ये होता यार चलो यार ट्रॉफी अच्छे हाथों में चली गई। ऑस्ट्रेलिया वालों भाई 6 बार वो ट्रॉफी जीत चुके हैं, उनको इतनी बार, अगर इतनी बार हो सकता है कोई दूसरा नेशन अगर जीत जाए, कोई दूसरा देश अगर जीत जाए भाई, हो सकता है वो भी पैरों में ट्रॉफी रखना चालू कर दे। मतलब ये जो हरकत इन्होंने करी है ना पैरों में ट्रॉफी रखने वाली, मुझे लग रहा है ये तड़फेंगे आगे लाइफ में, आगे इन फ्यूचर वर्ल्ड कप आए ट्रॉफी को देखने के लिए, छूने के लिए तड़फेंगे, ये बात याद रखना। क्योंकि वो जो ऊपर बैठा है ना कलाकार, वो देने से पहले भी चेक कर रहा होता है और देने के बाद भी कि कितनी आपको इसकी इज्जत है, इनको देख लिया है देने के बाद। भाई मतलब एक छोटी सी लाइन है, कभी देखना कि जो सक्सेस होती है ना अगर वो यहाँ चढ़ गई तो भाई फिर उतरने में टाइम नहीं लगता उसे। अच्छा खेली ऑस्ट्रेलिया, सब कुछ है नो डाउट, बट ट्रॉफी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए यार। उसने जो ये लाइन बोली थी ना जब उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाके, ये जितने तत्र पत्रकार थे ना भाई, जितने भी लोग चाट रहे थे उसकी कि रोहित बहुत अच्छी कप्तानी कर रहे हो, रोहित ये, रोहित कमाल, रोहित लाजवाब इंटेंट है आपका, रोहित यार कैसे कर लेते हो यार, रोहित भाई यार आप तो प्रेशर भी नहीं ले रहे हो यार, क्या क्या कर रहे हो यार, कैसे कर रहे हो। रोहित ने कहा था, कह रहे एक मैच हेयर एंड देर हो गया ना, यहाँ वहां हो गया अगर एक मैच, तो मैं सडनली बैड कैप्टन बन बैड कैप्टन। हाँ। उसको ये बात मालूम थी, उसको यहाँ मीडिया की हकीकत पता थी, उसको पता था मेरे छीतड़े उड़ा देंगे लोग, वही हुआ है भाई। अरे रोहित शर्मा की वजह से 10 ओवरों में कभी 91 रन भाई, कभी 10 ओवरों में 80 रन। उसने ना ट्रेंट बोल्ट को देखा, ना उसने किसी को नहीं देखा, उसने निकल निकल के लगाए भाई यार, निकल निकल जिम्मेदारी नहीं ली इसने, जिम्मेदारी तुम्हारी बुआ, तुम्हारा फूफा लगाए वो ओपनिंग भी वही करे, नया बॉल भी वही खेले, सब वही कर ले, पहले 10 ओवरों में 91 भी वो बनाए, बाद के 35 ओवरों तक का ठेका ले रखा उसने, तो बाकी क्यों भर्ती कर रखे हैं भाई। हाँ, वन मैन बाकी किस लिए आए हैं? एक विराट कोहली को छोड़ दो नंबर 3 पे, तो औकात पता लगे, वो सेल्फिश था। अरे कहीं खुशी नहीं है, लग गया ना पता कल उसके 50-55 में भी औकात पता लग गई ना। ये मैच एक ही तरीके से जीता जा सकता था अगर विराट कोहली 120-30 रनों की पारी खेले तो। अगर वो 120-30 की पारी खेलता, केएल राहुल भी शतक मारता वहां पे। केएल राहुल भी शतक मारता, सूर्य कुमार यादव भी 30-40 रन करता। भाई अय्यर भी बढ़िया खेल जाता है, इनका तो साथ साथ ही चल रहा था यार, ये तो है। और कल ना, कल तो मैं, मुझे बड़ा अजीब लगा, कल कोई इंडियन चैनल था, वेरीफाइड चैनल था कोई, मैंने कल देखा था, पता नहीं वो न्यूज़पेपर था, लिख रखा था कि ऑस्ट्रेलिया के हाथों मिली भारत को शर्मनाक हार। कौन सी शर्मनाक भैया है, मतलब उससे पहले की फिर मैंने उसकी हेडलाइंस देखी, उसने इंडिया के बहुत गुणगान गा रखे भाई, इतना बढ़िया खेली रोहित शर्मा का इंटेंट ही वो कल, मतलब कसम से बता रही हूँ ये हेडलाइन लिख रखी थी उसने कि ऑस्ट्रेलिया के हाथों मिली भारत को शर्मनाक हार। आपको क्या लगता है कमेंट्स में बताना, सही थी ये हेडलाइन?